अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब राशिद है और मैं रिसर्च असिस्टेंट हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के एक प्रोजेक्ट पे काम करती हूँ और आईआईटी बॉम्बे के साथ एम्प्लॉयड हूँ। और मैं खिदमत ट्रस्ट की खिदमत, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। हिजाब के मुद्दे पर आजकल बड़ी बहस चल रही है, पूरे देश में एक फ्यूरोर सा छाया हुआ है। और ये बात समझ लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अक्सर जो है अक्सर आज तक हिजाब पहनने वाली लड़कियों को बहुत ही ओप्रेस्ड समझा जाता है और उन्हें रिग्रेसिव समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो घर की चार दीवारी में ही बस कन्फाइंड रहती हैं और उन वो अपने दिमाग का, अपने इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ का कुछ इस्तेमाल नहीं कर पाती, और मुसलमान औरतें जो हैं अक्सर अपने रिलीजन की वजह से ओप्रेस्ड हैं। हाउएवर, ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि आप देखेंगे कि आजकल बहुत सारी लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां हिजाब के साथ साथ अपना एजुकेशन हासिल कर ली हैं, टॉप कॉलेजेस में जा चुकी हैं। जैसे मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे एजुकेशन हासिल करी है मैंने, मैं लेडी श्रीराम कॉलेज की पढ़ी हुई हूँ, मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है और अब मैं अच्छी जॉब कर रही हूँ। तो ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो इस एजुकेशन के मामले में हिजाब के साथ आ रही हैं। हिजाब उन्हें रोक नहीं रहा है, बल्कि हिजाब उन्हें आगे बढ़ा रहा है। सो हिजाब इज़ एक्टिंग एज एन इनेबलर रादर देन मेकिंग देमसेल्फ्स रिग्रेसिव, इट्स मेकिंग देम प्रोग्रेसिव। मेरा नाम राबिया सरवत है और मैं एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर चल रहा है और अभी मेरी इंटर्नशिप हॉस्पिटल में चल रही है, एंड आई एम वियरिंग बुरखा एज वेल एज़ हिजाब। एंड अभी जो सिनेरियो चल रहा है कि हिजाब और बुरखा एजुकेशन में और एजुकेशन में एक बैरियर है, वो मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती हूँ। बिकॉज मैं एक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट हूँ और मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना होता है, हॉस्पिटल भी जाना होता है, स्पोर्ट्स भी जाना होता है। सो मैं ऐसा बिल्कुल फील नहीं करती। ये मेरा एक चॉइस है कि मैं हिजाब और बुरखा वेयर करूं, और इससे मेरी एजुकेशन में कोई भी रुकावट नहीं है। सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। मेरा नाम शाइमा है, मैं जेएनयू में एक पीएचडी स्कॉलर हूँ लॉ एंड गवर्नेंस के फील्ड में, और साथ साथ में एक मैगज़ीन में भी काम करती हूँ, वुमेंस मैगज़ीन में। जो हिजाब का मसला है वो करंटली एक बहुत फंडामेंटल मसला है, इसलिए भी क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल सवाल है। इट इज़ अ क्वेश्चन दैट इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हिजाब और अ पीस ऑफ फैब्रिक, बट इट इज़ अ क्वेश्चन दैट मुस्लिम वेमेन, इफ़ यू लुक एट द स्टेटिस्टिक्स, मुस्लिम वेमेन आर एंटरिंग हायर एजुकेशन एट अ मैसिव स्पीड। इनफैक्ट जो जेंडर पैरिटी का सवाल हमेशा फेंका जाता है हमारी कम्यूनिटी पर, वो स्टेटिस्टिक्स उस चीज़ को पूरे तौर पर चैलेंज करता है, बिकॉज जेंडर पैरिटी हैज़ ऑलमोस्ट बीन अचीव्ड एंड विल इनशाला भी एक्सीडेड ऑल्सो इन द मुस्लिम कम्युनिटी, दैट विच मीन्स दैट मुस्लिम वेमेन आर एंटरिंग हायर एजुकेशन एट अ ह्यूज स्पीड, एंड दे आर ऑल्सो बिकमिंग टीचर्स, दे आर बिकमिंग लीडर्स, दे आर बिकमिंग जर्नलिस्ट एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो टू से दैट हिजाब इज़ अ यू नो ओपोनेंट और सम इन सम वे ब्लॉकिंग देम फ्रॉम एजुकेशन इज़ अ फॉल्स चैलेंज, बिकॉज यू आर पुटिंग द चॉइस, अ फॉल्स चॉइस इन फ्रंट ऑफ मुस्लिम वुमेन टू से कि आप या हिजाब चुने या आपने एजुकेशन चुने, एंड दिस चॉइस इज़ समथिंग दैट दिस फॉल्स इम्पोजिशन ऑफ अ चॉइस इज़ नॉट समथिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स। द कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, freedom of dress, and most importantly it guarantees the right to education. So in a country where we talk about access to health, access to education, wahan par to literally shut the doors on Muslim women as is happening in some places of the country, that is an affront to the constitution, constitutional morality and the right to education. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mera naam Shagufta Tehseen hai, maine Jamia se ETE kiya hai. आजकल हम देख रहे हैं कि अबाया को, पर्दे को लेकर के बहुत ज़्यादा हालात जो हैं वो ख़राब होते चले जा रहे हैं और तरह तरह के मामलात हमारे सामने आ रहे हैं। तो और हम लोग के सामने बहुत सारी बातें भी आई कि क्या सही है क्या गलत है। मैं उस तरफ नहीं जाना चाहूँगी, मैं सिर्फ़ अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी आप लोग के साथ कि मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि पर्दा हमें आगे बढ़ने में कभी भी हिलाया हो या फिर हमें उससे प्रॉब्लम हुई हो, कोई ऐसी परेशानी हुई हो जिसकी वजह से मैं हमेशा पर्दे को से पीछे आ गई हूँ। तो मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस ये है कि मेरा क्रिकेट टूर्नामेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे के शगुफ्ता तुम कैसे करोगे, ऐसा करो तुम अबाया उतार दो और फिर तुम इसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन मुझे कभी भी ये फील नहीं हुआ कि मुझे ऐसा करना चाहिए। मैंने फुल अबाया में, बस मैंने टी शर्ट पर वेयर की थी जिस पर मेरा नंबर लिखा हुआ था, बाकी मैं फुल अबाया में थी और मैंने इसी तरह
बहुत जगह क्रिकेट और सारे स्पोर्ट्स में, मतलब मेरे पास बहुत सर्टिफिकेट्स हैं सिर्फ स्पोर्ट्स के, तो मैंने हर फील्ड में मैं गई और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अबाया ही एक ऐसी चीज़ है जो मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस था, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को इससे काफ़ी मतलब इससे आप लोग को एक अच्छी अप्रोच मिलेगी कि ऐसा नहीं है कि हम अबाया के साथ कुछ नहीं कर सकते, हम अबाया के साथ हर काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तूबा अनवर है और मैं मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ में। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि हिजाब के लिए जो कहा जाता है कि हिजाब मुसलमान औरतों को ऑप्रेस्ड करता है या मुसलमान औरतें इसकी वजह से डिग्रेड फील करती हैं या पिछड़ा हुआ फील करती हैं, तो ऐसा ये सिर्फ़ एक इल्यूजन है जो ये कहा जाता है। मैं ख़ुद एक मास्टर स्टूडेंट हूँ और मेरे साथ जो मेरी बैचमेट्स हैं वो सब हिजाबी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम ऑप्रेस्ड हैं या हमें कहीं पे हमें खुद किसी से कमतर महसूस कर रहे हैं खुद को। मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ी हुई हूँ जो जिसकी बैकग्राउंड मतलब पूरी नॉन मुस्लिम थी, जहाँ पे सब कुछ जो है वो हिंदू रिचुअल से हुआ जाता था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ क्लास से हिजाबी हूँ। फोर्थ क्लास से मैंने हिजाब पहनना शुरू करा है और मैं खुद को कभी भी मैंने किसी से कमतर महसूस नहीं करा। स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं साइंस स्टूडेंट थी और कॉलेज में आकर भी, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ, बैचलर्स भी, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह मैं नकाबी भी हूँ हिजाबी भी हूँ, तो मुझे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मुझे कहीं पे भी ऑप्रेस्ड फील हुआ हो या कहीं पे भी डिग्रेड फील हुआ हो, बल्कि हमें प्रोटेक्टेड फील होता है हिजाब में और हम खुद को जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। और हिजाब जो है हमारी आइडेंटिटी है और इस आइडेंटिटी को हम किसी की भी वजह से कभी भी हम जो है इसको छोड़ नहीं सकते। हम हिजाब हमेशा इंशाल्लाह हम पहने रखेंगे और ये हमारी आइडेंटिटी है। आर्टिकल 25 और 26 में जो आर्टिकल 25 और 26 के सेक्युलर, लिबरल और न्यूट्रल आइडियाज़ हैं, उसमें साफ तरीके से बताया गया है कि हर इंसान जो है वो अपनी एसेंशियल प्रैक्टिसेस, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को उसको प्रैक्टिस करने पे कोई मनाही नहीं है। हर ये फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपनी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम वजीह अंजुम है, मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ इस्लामिक स्टडीज़ जामिया हमदर्द से। और मैं यही बताना चाहूँगी सबको कि मैं एक हिजाबी हूँ, मैं हिजाब पहनती हूँ और मैं बचपन से तो नहीं, लेकिन मैं बाद में मैंने शुरू करा हिजाब पहनना, और मैं पहले नहीं पहनती थी और अब पहनती हूँ, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे हौसला आया है। मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल फील करती हूँ कि मैं एक हिजाबी हूँ कि और मुझे कहीं से कहीं तक मुझे कभी भी किसी भी फील्ड में, कहीं जाने में, कहीं किसी भी जगह बैठने उठने में मुझे कभी फ़ील नहीं हुआ कि मैं कहीं बैकवर्ड क्लास से हूँ या बैकवर्डनेस मेरे अंदर है क्योंकि सिर्फ मैं एक हिजाब पहन रही हूँ। और जहाँ तक कि ये सवाल आता है कि जो हिजाबीज़ हैं, जो निकाबीज़ हैं, मुस्लिम विमेन हैं, वो बैकवर्ड हैं, वो ऑप्रेस्ड हैं, वो सिर्फ एक ये मुझे लगता है कि ये एक इमेज बना दी गई है लोगों ने कि जो ये सब होती हैं ये सब ऑप्रेस्ड होती हैं। अगर बेहतर होगा कि आप हम लोगों से खुद आके पूछें कि हम लोग क्या हैं, हम लोग कैसा फ़ील करते हैं, तो आपको ज़रूर मालूम होगा कि हम लोगों में ना ही हमें एहसास कमतरी का कभी हम शिकार हुए, ना ही हमें कभी बैकवर्डनेस का हमें फ़ील आई, बल्कि हम जब हिजाब पहन के बाहर निकलते हैं वी फील सो प्राउड कि हम अपना आइडेंटिटी एक हम लेके चल रहे हैं, दूसरे को पता चलता है कि हाँ हम मुस्लिम हैं, हम अलग फील करते हैं, वी फील डिफरेंट। और एज़ फार एज़ द प्रैक्टिसिंग रिलीजन इज़ कंसर्न्ड, हमें हक है, हम हर किसी को हक है अपना रिलीजन फॉलो करने का, हमें कोई परेशानी नहीं है किसी और रिलीजन से या कोई और अपना रिलीजन फॉलो करता है, और ना ही हम भी यही चाहते हैं कि ना ही दूसरे को परेशानी होनी चाहिए। वी फील प्राउड एज अ हिजाबी एंड एज एन इंडियन। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम सालिहा इनाम है और मैं क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ। हालिया दौर में हमने अपने मुल्क में जो फ़ज़ा देखी हिजाब को लेकर, जो एक नैरेटिव खड़ा किया गया और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हिजाब एक साइन ऑफ ऑपरेशन है, बल्कि मेरा ये मानना है कि ये ऑपरेशन का साइन नहीं बल्कि एक एम्पावरिंग टूल है। हमारे रिलीजन इस्लाम की भी ये एक प्रैक्टिस है और
हिजाब हमें किसी भी तरह से एक बैरियर नहीं है हमारे एजुकेशन में और हमारी किसी भी ग्रोथ में ये किसी किस्म का कोई बैरियर नहीं है। इसके अलावा ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है कि हम अपने रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट कर सकते हैं।